तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे 125%। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टुडेस वीडियो, वी हैव अ टेबल वेदर। So ID is the column with unique values for this table. This table contains information about the temperature on a certain day. ठीक है, तो यहाँ पे तीन कॉलम ने में ID है, record date है और temperature है। Add a solution to find all the date IDs with higher temperature compared to its previous date. इसका मतलब मेरे को क्या है ना कि मेरे previous date से आज के date को मैं comparison करना है और temperature जो higher है compared to the previous day, पिछले वाला day का, तो मुझे उसकी IDs return करनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं डेट देखो यार, डेट कहा गया, डेट कहा गया तो कहीं ना कहीं डेट डिफरेंस कहा गया। एक फंक्शन है बाय डिफॉल्ट एक सिक्वल में, तो डेट डिफरेंस उसको इस्तेमाल करने वाले हम लोग व्हेन कम्स फॉर दिस। डेट डिफ क्या होता है, ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर नहीं किए क्योंकि सिक्वल की सीरीज अभी आई नहीं है। तो सिक्वल की सीरीज सून आएगी, हाँ बेसिक लेवल वाली भी सून ले आऊंगा, बट अभी इसको सॉल्व करते हैं कैसे कॉल करना होता है आपको। उसके पहले आप SQL का स्कीमा दे सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्ट किया है मैंने यहाँ पे डेट और ये सब चीजें। तो ये है डेट टाइप का, ठीक है। तो स्कीमा क्या, मैं बिना स्कीमा डाल के डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ टेबल के अंदर? हाँ कर सकता हूँ, बट मैं टेम्प टेबल में कर सकता हूँ, रियल टेबल में आई डोंट थिंक कर पाऊंगा, ठीक है। तो यार ये हमारा पांडास का भी स्कीमा है, आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक लेट्स स्टार्ट अ पांडास सीरीज एज वेल, बट लेटर ऑन, नॉट नाउ, बिकॉज़ आवर प्रायोरिटी इज करंटली इन डाटा इंजीनियरिंग, देन वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द स्टफ दैट वी आर पेंडिंग इन आवर हैंड, लाइक वी हैव द रिएक्ट सीरीज पेंडिंग, वी हैव सीएसएस, वी हैव पाइथन, वी हैव एचपी एंड कोड एजर पेजेस, वी हैव एंगुलर सीरीज आल्सो पेंडिंग एंड वो मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्सस एंड व्यू जेएस। दीस आर सीरीज आर करंटली इन पेंडिंग स्टेट and we will be covering that as well soon, so let's cover on this series. तो मुझे सबसे पहले तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, देखो यार मेरी आदत होती है सबको सेलेक्ट करना। अब सेलेक्ट स्टिक फॉर्म कहाँ पे, टेबल का नाम क्या है मेरा वेदर, ठीक है, इसको मेरे को कंपेयर करना है पिछले डाटा से, पिछले डाटा से कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ पिछला डाटा कैसे मिलेगा मुझे। मैं फिर से अगर ज्वाइन करूंगा तब मुझे पिछला डाटा मिलेगा, और कोई तरीका मुझे दिख नहीं रहा है सीरियसली। तो मैं डब्ल्यू वन कर रहा हूँ और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कॉमन डाटा चाहिए, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो इनर डालो ना डालो भी चलेगा। और ऑन का पैरामीटर क्या होगा, यहाँ पे आएगा मेरा डेट डिफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डेट डिफ फंक्शन में सबसे पहले क्या होता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे डे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मंथ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे केस में मुझे डे चाहिए तो मैं डे डालूंगा। दूसरा पैरामीटर मेरे को दोनों में कंपेरिजन करना है ना, तो पहला वाला मेरे को क्या चाहिए, डब्ल्यू वन से मेरे निकल जाएगा मेरा रिकॉर्ड डेट, ये वाला रिकॉर्ड डेट है ना, रिकॉर्ड डेट निकल जाएगा। और दूसरा वाला पैरामीटर क्या है ना मेरा, अगर बात करूं तो डब्ल्यू टू डॉट रिकॉर्ड डेट, डेट डिफरेंस फाइंड करके मुझे डेट डिफरेंस देखो यार समझ रहो पिछले वाला करना है, तो डेट डिफरेंस कहाँ पे, अगर मैं दो दो डेट का निकालूं तो उसका डिफरेंस मेरा वन आना चाहिए क्योंकि यार एक डेट का है, अगर दो डेट का है पुराना वाला से कंपेयर हो रहा है तो दो डालेंगे अपने हिसाब से यहाँ पे वन पे। और मेरा क्या करना है, आज का टेम्परेचर, तो मेरा दूसरा वाला आज है ना, दूसरा वाला ये आज है, ये पिछला है, तो मैं डब्ल्यू टू डॉट रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है, तो रिकॉर्ड डेट ग्रेटर देन डब्ल्यू वन डॉट रिकॉर्ड डेट, ठीक है ना, सिंपल। और यहाँ पे मुझे एस्ट्रिक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करने को बोला है, अगर ये बोल रहा है टेम्परेचर हैज ओके रिजल्ट इज फॉलोइंग रिजल्ट टेबल, हाँ आईडी फाइंड करनी है, आईडी फाइंड करनी है, और ठीक है तो मुझे आईडी फाइंड करनी है, और मेरे को आईडी विद हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर रिटर्न ID with the higher temperature, तो कहीं ना कहीं आज का डेट निकालना है तो w2.id करूंगा मैं, तो w1.id कर सकते हैं, कमेंट करना। अच्छा रॉन्ग आंसर आ रहा है, अच्छा 2 और 3 भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, मुझे टेम्परेचर को कंपेयर करना है, मुझे रिकॉर्ड डेट को कंपेयर नहीं करना है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड डेट को कंपेयर कर दिया गलती से, ये आ गया मेरे ख्याल से। यहाँ पे दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेट ज्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गड़बड़ कर दिया, तो सारे आ जाएगा ना, तो सबका इसका एक ग्रेटर देन ही है भाई। देखो डेटा आ गया, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि खत्म हो गया वीडियो, ठीक है ना। तो ये छोटा सा वीडियो था, ये वाला सीरीज हमारा SQL 50 कवर कर रहे हैं, तो ये भी बताओ ना, ये भी डाटा इंजीनियरिंग सीरीज के अंदर आता है। SQL कोई नहीं पढ़ाता, क्यों नहीं पढ़ाता SQL, SQL को आपको पेड कोड में मिलेगा ही नहीं,
आप 30,000 या 40,000 1 लाख का कोर्स भी ले लो, उसमें भी सीक्वल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बट सीक्वल पूछा जाता है आपको, इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर कर दे वीडियो को, क्योंकि हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, हम कमाने के लिए नहीं, घबराने के लिए बैठे हैं। और फ्री में वो चीजें मिलती है जो पेड में भी नहीं मिलती है आपको। पेड के अलग से लेना पड़ेगा सीक्वल का कोर्स, और क्लाउड का भी अलग से लेना पड़ेगा। क्लाउड का कोर्स की कॉस्ट बताऊं मिनिमम 1 लाख रुपए होती है, और डेटा इंजीनियरिंग अगर लेने जाओगे तो 50,000 मिनिमम होता है, एटलीस्ट 50,000 हम पूरे बनाना है। हम दोनों दे रहे हैं, सीक्वल भी दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं। बाकी चीजें फॉलो कर सकते हो। राइजिंग टेम्परेचर हो गया ये हमारा। इसके बाद तो दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन, ये एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब पूछ लोग बोलेंगे सारे इजी क्वेश्चन कवर कर रहे हो। देखो यार, मैं उस स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ जिस स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले सीरीज में, यहाँ पे अब उसने इजी क्वेश्चन सुबह में दिया हुआ, इजी में आ रहा है, फिर मीडियम भी आएगा, जनरली मीडियम दिया हुआ है, इजी और मीडियम, और एक हार्ड दिया है, बाकी हार्ड नहीं दिए। इस वाले सीरीज में बहुत सारा होगा, बट ये वाला मेरे लिए अनलॉक नहीं है। तो किसी का अनलॉक है, अगर ये पेड है, इसको मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर अनलॉक होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनको सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए था, रादर देन ओपन ना होता, बट क्वेश्चन तो देना चाहिए था सीरियसली, ठीक है, सह लेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में मिलता है, होप वीडियो अच्छा लगा, 1 लाख ठोक देना, अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं।